अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। क्या सपना देख रहा था? दो सपने थे। दो सपना? नहीं नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। ये सब तो मैंने पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ, कब? ये क्या? अरे, ऐसी पेंटिंग क्यों बना रहे हो? जो देखा है वही बना रहा हूँ काका। ये तुमने कहाँ देखा बेटा? यार सिया, आज मानस सर को क्या हो गया है? ऐसे जोश में पेंटिंग बना रहे हैं जैसे कैनवास ही फाड़ डालेंगे। चुपचाप अपना काम कर समझा। और मानस सर का गुस्सा तुझे पता नहीं है? उजाला सर को अगर तेरे बारे में बोल दिया ना तो आज तेरी यहाँ लास्ट क्लास हो जाएगी, समझा? एक्सक्यूज मी मानस सर, ऐसा लगता है ये औरत तो किसी का मर्डर करने वाली है। पर आपने तो कहा था कि आज हम नदी और किसी झरने को पेंटिंग बनाने वाले हैं। तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि कौन सी पेंटिंग बनानी है और कौन सी नहीं? तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, मैं तो बस आपको याद दिला रहा था। आज याद दिला रहे हो, कल मुझे सिखाओगे? पूरी जिंदगी बीत जाएगी ना तुम्हारी, तो भी मेरी तरह पेंटिंग बनाना तो दूर, ब्रश तक नहीं पकड़ पाओगे तुम। क्या बात है मानस, क्यों चिल्ला रहे? अरे चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं यार। ये इंस्ट्रूमेंट की आरती उतारू मैं? अब ये दिन आ गए कि स्टूडेंट के मूड के हिसाब से मुझे पेंटिंग बनानी पड़ेगी। शांत हो जाओ मानस, प्लीज शांत हो जाओ। अरे कैसे रखे कोई शांति यार? एक तो इन बेवकूफ स्टूडेंट को संभाल, ऊपर से वो ड्रामा स्कूल वालों की चिक-चिक हद होती है बर्दाश्त करने की। तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा। मानस रुको, मैं सबक मानस। अरे चुप! अगर इसी तरह हम रिहर्सल करते रहे ना तो शो के दिन ऑडियंस अपनी तालियां नहीं जूटे और टमाटर फेंकेगी। अरे यार, ये राइटर्स भी ना कुछ भी लिखते हैं, वो ये नहीं सोचता कि हम एक्टर की जान लेती है मानस, और उनकी स्क्रिप्ट सुधारने में हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। रॉनी, ये डायलॉग्स किसने लिखे हैं? यही स्क्रिप्ट है, स्पॉन्सर्स ने यही पास की है। अब अच्छी लगे या बुरी जो है
चाहिए। मानस मेरी बात तो सुन मानस। चुप, इतना शोर कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें पता नहीं मुझे डिस्टर्ब होता है वहां पे। बंद करो ये रेसर और निकलो यहां से, चलो आउट। मानस शांत हो जाओ, हम लोग झगड़ा करना नहीं आए। अरे क्या शांत है मिस्टर मानस, माना कि आप बहुत बड़े पेंटर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें आपके मूड के हिसाब से रिहर्सल करनी पड़ेगी। और यहाँ से चले जाओ, क्या मतलब है? हाँ, ये जगह हमारी है, हम जो चाहे वो करेंगे। अगर आपको हमारे यहाँ से प्रॉब्लम है ना, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, समझे? लड़की चुप, चुप। मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सबसे प्रॉब्लम है मुझे। अरे क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे कभी हम आपकी क्लास में गए हैं क्या, जो आप यहाँ आकर हमारी रिहर्सल को डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे जाइए यहाँ से। तू होता कौन है मुझे जाने के लिए बोलने वाला? मानस, इट्स ओके, हम कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। अरे कोई रास्ता नहीं है यार, कोई रास्ता नहीं है। अब एक ही आखिरी रास्ता है कि ये लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाए। मानस जी, इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती। अरे तू चुप कर, दुकान होता है बीच में बोलने वाला। हट, ऐसे नहीं मानेगी, अब तो पुलिस बुलानी ही पड़ेगी मुझे। तुम, अरे मुझे पुलिस की धमकी देता है, तुझे तो मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा। अब मैं मार डालूंगा मैं तुझे। मैं कौन हूं? एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति? मैं तो एक अच्छा इंसान ही नहीं हूं, मैं एक गुनहगार हूं, मैं एक खूनी हूं। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, अच्छे संस्कार दिए, मैंने उनके सपनों का खून किया। जिस बाप ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनके बुढ़ापे का सहारा न बनकर मैंने उनकी इच्छाओं का खून किया है। जिस बहन ने मुझे राखी बांधी, मेरी मुसीबतों में मेरा साथ दिया, उसकी सुरक्षा को नजरअंदाज करके मैंने अपनी बहन की आशाओं का खून किया है। और आखिरकार मेरी पत्नी, मेरी शिप्रा, जिसने मुझे जीने की नई राह दिखाई, मेरे लिए इतनी तकलीफों का सामना किया, अपना सब कुछ छोड़ दिया। अब इस खोखले शरीर के साथ जीकर क्या फायदा? मेरे अपराध माफी के लायक नहीं। अंत, अंत, मैं अपने जीवन का अंत कर लेना चाहता हूं। मर जाना चाहता हूं मैं। कौन है तुम? कौन? एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति? नाटक में इसे फांसी पे लटकना था, और असल में किसी ने कुल्हाड़ी से मार दिया। सबसे पहले बॉडी किसने देखी? सर, हम लोग रोज सुबह की तरह जब अराउंड 9 बजे रिहर्सल हॉल पहुंचे तो देखा सर, जिमी मरा हुआ पड़ा था। और जिमी से आखिरी बार कब मिले थे आप लोग? कल रात को हम लोग सब यहीं पर रिहर्सल कर रहे थे। 9 बजे के बाद जब जाने लगे तब जिमी ने कहा कि तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो 9 बजे के बाद ये जिमी यहाँ पे अकेला रिहर्सल कर रहा था? हाँ सर। अच्छा, क्या लगता है सचिन,
कब मौत हुई होगी इसकी? सर राइगर मोर्टिस पूरी तरह से सेट हो गया है सर, लगता है इसकी मौत 10 से 12 घंटे पहले हुई है। मतलब मौत रात 9 बजे के बाद हुई है और 12 बजे के पहले। ये कुल्हाड़ी पे फिंगरप्रिंट मिले क्या? वही चेक करूं सर। सर सर यहाँ आइए। हाँ पुरु? सर ये देखिए, सर ये दांत यहाँ टूटा पड़ा है। जिम्मी का तो नहीं है? निखिल जरा इसके दांत चेक करो, देखो टूटा हुआ है क्या? सर सर कुल्हाड़ी पे तो फिंगरप्रिंट्स नहीं है, या तो उसने ग्लव्स पहने हुए थे या फिर हो सकता है उसने निशान मिटा दिया। सर इसके दांत तो पूरे हैं लेकिन हाथ पे चोट का निशान है। लगता है ये दांत खूनी का है, शायद इनके बीच हाथापाई हुई होगी, उसका दांत टूट गया और इसके हाथ पे चोट लग गई। एक बात बताइए, ये जिमी की किसी के साथ दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, वो बहुत अच्छा लड़का था, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। सर कल मानस जी ने जिमी को जान से मारने की धमकी दी थी सर। मानस वो मशहूर आर्टिस्ट पेंटर? जी हाँ सर। क्या क्या हुआ था? सर कल जब मानस सर हम लोगों की क्लास ले रहे थे। मुझे प्रॉब्लम हो रही है, हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, सबसे प्रॉब्लम है मुझे। अरे क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे कभी हम आपकी क्लास में गए हैं क्या जो आप यहाँ आकर हमारी रिहर्सल को डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे जाइए यहाँ से। मुझे तुम अरे मुझे पुलिस की धमकी देता है तुझे तो मैं 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, अब मैं मार डालूंगा मैं तुझे। सर मानस सर ने गुस्से में जरूर कहा था पर वो किसी का खून नहीं कर सकते सर। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। सचिन बॉडी को फोरेंसिक लैब भिजवा दो और इस पूरे एरिया को सील कर दो। चलो मिलते हैं मानस जी से। साहब मानस एक कलाकार है, थोड़ा मूडी किस्म का है, कभी तो एकदम शांत हो जाता है कभी एकदम गुस्सा हो जाता है और कभी कभी गुस्से में खून कर देता है। अरे नहीं साहब, मानस किसी का खून नहीं कर सकता। कल सुबह मानस ने जिमी नाम के एक लड़के को धमकी दी कि वो उसे मार डालेगा और उसी रात जिमी का खून हो जाता है। क्या? जी हाँ सर। सर ये देखिए, सर ये पेंटिंग तो बिल्कुल वैसी है जैसे जिमी का खून हुआ है। वैसा ही स्टेज है, वैसी स्पॉटलाइट और वही कुल्हाड़ी। ये पेंटिंग मानस ने कब बनाई थी? परसों रात को जी। परसों रात को पेंटिंग बनाई और कल रात को खून, पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। काका क्या हो रहा है यहाँ पे? और ये लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी का मेरे घर में क्या काम? मिस्टर मानस आपको मालूम है कि जिमी का खून हो गया है। क्या जिमी मर गया? जी हाँ जिमी मर गया। जिमी मर गया? पर सर वो किसने मारा उसको? मानस जी ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझे? जिमी का खून तुमने किया है। क्या मैंने? क्या कह रहे हैं सर आप, मैं जिमी का खून क्यों करूंगा? कल सुबह तुमने ही उसे धमकी दी थी जान से मारने की। सर मैं दिन में कई लोगों को धमकी देता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं उनका खून कर दूंगा। अच्छा तो फिर ये क्या है? ये पेंटिंग? सर ये पेंटिंग मैंने बनाई है, अच्छी है ना? जी हाँ अच्छी है और सच्ची भी है। क्या क्या कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल इसी पेंटिंग की तरह जिमी का खून हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही स्टेज, ऐसी स्पॉटलाइट,
और इसी तरह कुल्हाड़ी से मारा गया जिमी को, समझे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता, एक एक सपना सच कैसे हो सकता है? सपना? हाँ सर, कल रात को, परसों रात को मुझे ऐसा ही कुछ अपने सपने में दिखाई दिया और मैंने उसकी पेंटिंग बना दी। नहीं, और यही नहीं, आप ये पेंटिंग देखिए। ये पेंटिंग भी मुझे सपने में आई थी कि एक आदमी स्केलेटन का मास्क पहन के स्टेयर गेस से जा रहा है और एक लाल साड़ी में दुल्हन के लिबास में एक औरत गन से उस पर फायर कर रही है। तो मुझे ये विजुअल आया सर, मैंने विजुअल आया था आपको? अब जी, अब वो मुझे कल रात 9 बजे से 12 बजे के बीच कहाँ थे आप? हाँ, कल रात मैं डिनर पे गया हुआ था सर। ठीक है मानस जी, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर से बाहर नहीं जाएंगे। सचिन, पता करो नाटक में ऐसा कोई दृश्य है क्या जिसमें एक औरत दुल्हन के जोड़े में किसी आदमी पे गोली चलाती है इस पेंटिंग की तरह। यहाँ पे गोली है, मतलब जब गोली चली थी तो यहाँ खड़ा था। गोली सीने को चीरती हुई यहाँ लगी है दीवार पे, मतलब खूनी वहां कहीं होगा। लेकिन चेक करो वहां पे क्या मिलता है। सर, मोबाइल मिला है। देखो आखिरी कॉल किसका है। सर, आखिरी कॉल किसी रॉनी का आया था। रॉनी? रॉनी? सर, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मिकी को फोन किया था? यस सर। सर, मिकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए फोन किया था। मिकी यहाँ पे क्यों आया था और आप लोग कहाँ थे उस वक्त? ये मिकी यार क्यों और कब आया ये तो नहीं पता, और हम सब तो ग्रीन रूम में थे। अच्छा। हाँ सर, सर वो पुराना रिहर्सल हॉल तो बंद कर दिया गया था तो सर हम लोग यहीं रिहर्सल कर रहे थे और सर हमारा शो भी यहीं होना था। सब कुछ ठीक चल रहा था पर... अच्छा, मिकी की किसी से दुश्मनी, किसी पे शक? कोई तो है जिसने जिम्मी का खून किया और अब मिकी को मार डाला। सर, पानी। सर ये देखिए, ये देखिए सर, साड़ी का टुकड़ा। सर ये तो दुल्हन के कपड़ों का टुकड़ा लग रहा है। दुल्हन? हाँ दुल्हन। क्यों, क्या हुआ? सर, हमारे नाटक के हिसाब से मिकी का मर्डर एक दुल्हन के हाथों होने वाला था। दुल्हन के हाथों मिकी का मर्डर? हाँ सर, सीन नंबर 17 में मिकी ठीक इसी कंकाल की ड्रेस में होता है और अनन्या जो कि दुल्हन की ड्रेस में होती है वो उसे गोली मारती है। तुम दुल्हन का ड्रेस पहनने वाली थी? जी हाँ सर, मैं ही दुल्हन का ड्रेस पहनने वाली थी, लेकिन सर दुल्हन का ड्रेस ही गायब है। ड्रेस गायब हो गई? अच्छा, ये
जिमी का खून ये भी तो नाटक की स्क्रिप्ट के हिसाब से हुआ है ना? राइट सर। सर हमारे नाटक के हिसाब से जिमी का मर्डर फांसी के फंदे पर लटक के होने वाला था, लेकिन सर हमने चेंज करके कुल्हाड़ी कर दिया था और सर वो कुल्हाड़ी से ही मरा। लेकिन ये बात तो सिर्फ हम लोगों को मालूम थी और किसी को नहीं। एक आदमी और है जिसे मालूम था कि जिमी की मौत कुल्हाड़ी से होगी और मिक्की को एक दुल्हन गोली मारेगी। मानस। मानस, ये डॉक्टर साहिल है, ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट, ये तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है? हेलो डॉक्टर। मिस्टर मानस, मैं तुम्हें इंजेक्शन देकर तुम्हें सुलाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ने की कोशिश करूंगा। इज ऑल राइट विद यू मानस? इट्स ओके सर। कभी कभी हम जो देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं वो वक्त के साथ साथ हम भूल जाते हैं, लेकिन वही बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं जो कभी कभी हमारे सपने में आती हैं। प्लीज जरा लाइट ऑफ करेंगे। मानस, मानस जी, इस वक्त तुम कहाँ हो? इस वक्त मैं सीआईडी ब्यूरो में हूँ। गुड मानस, अब अपने अतीत में जाने की कोशिश करो और याद करने की कोशिश करो कि ये पेंटिंग्स के बारे में तुमने कब, कहाँ पढ़ा था या देखा था। याद करो मानस, याद करो मानस, वो स्टेज, वो लड़की, वो कुल्हाड़ी, वो दुल्हन, मानस याद करने की कोशिश करो। मानस, मानस, मानस याद करने की कोशिश करो, अपने दिमाग पे जोर डालो, वो पेंटिंग्स, वो लड़की, वो दुल्हन, वो गोली, मानस याद करने की कोशिश करो। मानस अपने दिमाग पर जोर डालो क्योंकि वो तुमने कहाँ देखी थी वो पेंटिंग्स, वो लड़की, वो गोली, वो फांसी, वो लड़का, वो कहाँ देखा था? मानस याद करने की कोशिश करो। मानस याद करो, मानस, मानस याद करो, मानस याद करो, मानस, मानस दिमाग पर जोर डालो। मानस, मानस, ये स्टेज, वो कुल्हाड़ी, वो पेंटिंग, वो गोली, वो औरत, याद आ गया सर, याद आ गया, याद आ गया सर। देखो जैसा आप बोल रहे हो वैसा नहीं हो सकता। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। स्क्रिप्ट राइटर मैं हूँ। हाँ तो मैं प्रोड्यूसर हूँ। वो पहले वाला मर्डर चेंज करना पड़ेगा। ये फांसी बिल्कुल पुरानी हो गई है यार, कुछ नया सोचो, कुछ अच्छा। जैसे कि वो प्रैक्टिस कर रहा है और अचानक किसी ने पीछे से उसको कुल्हाड़ी से मार दिया। पर मेरी बात तो सुनिए। बार बार कुछ नहीं। और हाँ, दूसरा मर्डर तो क्लियर है ना? दूसरा मर्डर तो वैसे ही होगा। एक आदमी होगा स्केलेटन की ड्रेस में और पीछे से एक लड़की आएगी ब्राइडल ड्रेस में और वो उसको गोली मार देगी। समझ गए? ठीक है। सर, हम इससे ज्यादा इसके दिमाग पर और जोर नहीं डाल सकते वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। अबे मुंडी हिलाना छोड़ दे साळुंखे और खूनी के बारे में बता। बस खूनी चिंगम चबाता है। यार तारिका, तुम्हें कुछ पता चला? सर, सैयदात एक आदमी का है। हाँ। जिसकी उम्र 30 से 35 साल की। उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं। कुल्हाड़ी पे फिंगरप्रिंट्स मिले? नहीं। इस कुल्हाड़ी पे भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। बस मुझे एक बात पता चली है। क्या? खूनी जो चुंगम चबाता है। उनके खूनी ने, तू मेरा दिमाग चबाता है। यार खूनी के दांत में हमें जो चुंगम मिला है वो निकोटिन चुंगम है। निकोटिन? हाँ,
और जो लोग सिगरेट की आदत छोड़ना चाहते हैं वो ये निकोटिन च्युइंगम चबाते हैं। यानी कि वो सिगरेट की आदत छुड़ाने के लिए किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है। हाँ। तो फिर पता लगाना पड़ेगा कि शहर में ऐसे कितने क्लिनिक्स हैं जो निकोटिन से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। मैं डॉक्टर हूं, कोई जादूगर नहीं। उसका यहां स्मोकिंग की आदत छुड़ाने का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसकी प्रोग्रेस चेक किए बिना मैं उसकी दवाइयां या ट्रीटमेंट चेंज नहीं कर सकता। अब बहस मत कीजिए ना, जो भी दवाइयां हैं मुझे लिख के दे दीजिए। मैं आपसे कितनी बार बोलूं मेरा भाई यहाँ नहीं आ सकता है? क्योंकि जिमी के वार से तुम्हारे भाई का दांत टूट गया या फिर जबड़ा ही टूट गया है? ओ, तुम तो कैनवास एंड क्रेयॉन आर्ट स्कूल में पेंटिंग सीखती हो ना? सर, अभिजीत सर ने इसकी फोटो दिखाई दी। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? क्या नाम है इसके भाई का? हम लोग सीआईडी से। उज्जवल मेरा पेशेंट है और ये सिया है। उज्जवल? वो आर्ट स्कूल का मालिक? इसका मतलब उज्जवल ने ही खून किया है जिमी का। उज्जवल ने? नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्रेया समझाओ इसे। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, प्लीज मुझे मत मारिए। तो फिर बताओ उज्जवल कहाँ है? कहाँ है उज्जवल? सर भैया को 2 दिन पहले पैरालिसिस का अटैक पड़ा, उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए सर। एम्बुलेंस बुलाओ, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। सर ये कुछ इशारा कर रहा है, लगता है कुछ कहना चाहता है। उज्जवल, उज्जवल तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगा, अगर उसका जवाब तुम्हें हां में देना है तो एक बार अपनी पलकें झपकाओ ऐसे, और अगर ना कहना है तो 2 बार पलकें झपकाओ ऐसे। हाँ, ठीक है, तो बताओ ऊपर क्या है? ऊपर तो क्या तुम्हारे सिर पे कुछ है? सिर पे? हाँ, रेडी? फ्रेडी देखो जरा। यस सर। देखो जरा, मिनट देखो क्या कहता है। सर, इंजेक्शन की सुई का निशान लग रहा है। इंजेक्शन जैसा? ये देख। देखो, हाँ ये तो इंजेक्शन का ही निशान है। उज्जवल, क्या तुम्हारे सिर पर तुम्हें किसी ने इंजेक्शन दिया था? और फिर तुम्हारी ये हालत क्या इंजेक्शन देने के बाद ही हुई? किसने दिया ये इंजेक्शन तुम्हें, बताओ? क्या तुम जानते हो उस आदमी को? पता है तुम्हें वो कौन है? नहीं? क्या छुपा रही हो तुम? बताओ, तुम सब जानती हो? मुझे कुछ भी नहीं पता सर। उज्जवल भैया ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे जिसके बदले उन्हें मिक्की और जिमी को मारना था, और उन्होंने जिमी को कुल्हाड़ी से मारा। लेकिन मगर जब जिमी ने अपना बचाव करने के लिए उज्जवल को मुक्का मारा तो उसका दांत टूट गया, और फिर अपने आप को बचाने के लिए यहाँ आकर छुप गया है ना? यही हुआ ना? मतलब उज्जवल ने दुल्हन के लिबास में मिक्की को नहीं मारा। दुल्हन के भेष में तुम्हारा भाई नहीं, तुम थी सिया, तुम। कौन है वो जिसने उज्जवल के साथ ये सारा खेल रचा है? बताओ जल्दी,
बताओ। सर भैया अकेले में सब कुछ किया करते थे, अकेले में उस इंसान से बात किया करते थे और मिलने भी उसे अकेले जाया करते थे। मैंने तो उसे देखा भी नहीं, मैं नहीं जानती उसे। उसी आदमी ने ये हालत बनाई उज्जवल की, उसी आदमी ने, ताकि उज्जवल अपना मुंह बंद रखे और उसका नाम न बता सके। मगर है कौन ये? सर जब से जिम्मी का खून हुआ है ये थिएटर सील है सर, सारी की चीजें वैसी की वैसी हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, खूनी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती तो करता ही है। चेक करो अच्छी तरीके से। की स्क्रिप्ट फाड़ के फेंकी गई है। सर कुछ मिला क्या? ये स्क्रिप्ट का पन्ना फाड़ के फेंका गया है, लेकिन इसके पीछे पेन से कुछ लिखा है, तो जरा जोर का क्या लिखा है पेन से? एम सर, आई सर। जिमी का तो खून हो गया। हाँ सर देखो और क्या। मिक्की, जिमी और मिक्की, इन दोनों के नाम लिखे हुए हैं जिनके खून हो गए हैं। हाँ सर। और ढूंढो। सर, ओ? ओ? ओ से किसका नाम होगा? ढूंढो जरा। सर और अल्फाबेट्स तो नहीं है? देखो जिमी और मिक्की दोनों थिएटर ग्रुप में थे, इसका मतलब ओ से भी कोई ऐसा नाम है जो थिएटर ग्रुप में काम करता है। सर थिएटर ग्रुप में तो 100 से भी ज्यादा लोग होंगे, तो ये ओ नाम का तीसरा आदमी हम कैसे ढूंढेंगे? पता तो लगाना पड़ेगा पूर्वी, क्योंकि ये जो कोई भी है अगला खून इसका होने वाला है। मानस, मानस मिक्की और जिमी का खून हो चुका है, मिक्की और जिमी का खून हो चुका है, और खूनी अब तीसरा खून करने वाला है। मानस सिर्फ तुम हमें उस तक पहुंचा सकते हो। बताओ मानस, बताओ, याद करो क्या सुना था तुमने? उज्जवल और सिया दोनों पकड़े जा चुके हैं। अब खूनी एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल खेलने वाला है। मानस बताओ, याद करो। याद आ गया सर। बताओ जल्दी। कुछ बहुत खतरे की बात है, वो लोग कह रहे थे कि इसमें बहुत खतरा है। आग लगाने की बात कर रहे थे सर। आग लगाने की बात कर रहे थे। आग। उस नाटक के आखिर में तो आग लगती है। माय गॉड, नाटक तो अब खत्म होने को आ रहा है। अभिजीत, इसी वक्त तुम थिएटर पहुंचो, बहुत लोगों की जान को खतरा है। अभिजीत पहुंचो जल्दी आप ही। हाँ आप जिस नंबर को
डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। सर फोन बंद आ रहा है। ट्राई करते रहो करते रहो। सर कोई फोन नहीं उठा रहा है। ये हो क्या रहा है? सबके सब फोन एक साथ बंद कैसे? आज ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। बेल जा रही है। शिट, फोन नहीं उठा रहा है। मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी कौम से बगावत की, क्योंकि तुम्हारे प्यार में ही मुझे सुकून मिलता था। सुकन्या तुम सिर्फ मेरी हो, और तुम्हारे और मेरे बीच की हर दीवार को मैं निस्तनाबूद कर दूंगा। तुम्हारी मांग में सिर्फ मेरे नाम का सिंदूर होगा, वरना वरना मैं खून की नदियां बहा दूंगा। समझ के अंदर काफी लोग हैं, भगदड़ मच सकती है। ओके नहीं बिरजू नहीं, होश में आओ। प्यार का दूसरा नाम ही तो बलिदान है। ये तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारा जुनून बोल रहा है। बिना जुनून के प्यार प्यार नहीं होता। प्यार तो आग का दरिया है जिसे पार करके जाना है। सुकन्या, मेरे सीने में लगी आग से मैं सारे जहां को, सारी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। नाटक के क्लाइमेक्स में जो फायर सीन है वो कितनी देर में? अरे यार तुम यहाँ क्या कर रही हो, जल्दी करो, क्लाइमेक्स का सीन शुरू होने वाला है। आ रही हूँ। एक मिनट जी। एक कॉस्ट्यूम में क्या छिड़का गया? सर मुझे नहीं पता। हा? एक आर्टिस्ट का क्लाइमेक्स से पहले चेंज है, और चेंज नहीं हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज सर मुझे जाने दीजिए। प्लीज सर। मगर सर, सर कपूर की तेल का डब्बा मिला है, वहां पड़ा होगा। सर कपूर का तेल? सर ये तो पेट्रोल जैसा होता है। ओह नो, सारे कॉस्ट्यूम में कैम्फर ऑयल डाला गया है। चलो मेरे प्यार की आग में मैं अकेला नहीं, तुम सब जलोगे, तुम सब। इस पूरे समाज को मैं जलाकर राख कर दूंगा, आग लगा दूंगा, सारी दुनिया को आग लगा दूंगा। नहीं बिरजू नहीं, रुक जा, ये सब हमारे अपने हैं बिरजू, तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता। रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। अच्छा कोई रोको इसे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा बिरजू। जा मेरे रास्ते से। सबके कपड़ों पे कैंपर ऑयल छिड़का गया है, कुछ भी हो सकता। रॉनी और बिरजू नहीं, अनन्या है असली विलन। अनन्या? अनन्या? तुम सचमुच हम सबको जलाकर मारना चाहती थी अनन्या? जलाना चाहती थी नहीं, जलाना चाहती हूँ। तुम सबको मैं जलाकर मारना चाहती हूँ। वो मसाल मुझे दे दो ऑफिसर, मैं सबको जलाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। हथकड़ी देते तुम्हें, पहन लेना। नहीं, तुम मेरे इरादों पर पानी नहीं फेर सकते। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। होश में आओ अनन्या, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उज्जवल जिंदा है और सिया गिरफ्तार हो चुकी है। अनन्या जी, अपनी कहानी यहाँ बताओगी या जेल में? बताओ क्यों मारा अपने दोस्तों को तुमने? थिएटर ग्रुप की शुरुआत मैंने की, जिमी रॉनी और मिकी को सब कुछ मैंने सिखाया, आगे पढ़ने का हौसला दिया, और ये तीनों ये मुझे आगे नहीं पढ़ने देना चाहते। ये क्या
है कि अगले 5 सालों तक मैं टीवी, फिल्म्स या एड कुछ भी नहीं कर सकती? इससे तो मेरा सारा सारा करियर खत्म हो जाएगा। अगर तुम बाहर काम करने लगी तो ये थिएटर ग्रुप खत्म हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, इस थिएटर ग्रुप को शुरू करने का आइडिया मेरा था, मेरा। लेकिन पैसे तो हमारे लगे हैं ना। तुम अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगी तो हम तुम्हारे खिलाफ जालसाजी का केस कर देंगे, मीडिया में छपवा देंगे। तब तुम्हारे करियर का क्या होगा ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। सॉरी अनन्या, लेकिन ये तो बिजनेस है, करना तो पड़ेगा। मेरे दोस्त मुझे ब्लैकमेल करने लगे, इसलिए मजबूरन मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं तीनों को सबक सिखाऊंगी, इसलिए मैंने उज्जवल के साथ मिलकर अपनी आजादी का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक मैं तीनों का खून करके उस थिएटर ग्रुप को बंद कर देती और मार्केट से आधी कीमत में उसे उज्जवल को बेच देती। वैसे भी तुम भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो और अपने मकसद को पाने के लिए तुमने इससे पहले भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हड़प कर लिया, और अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम रॉनी को मारकर इस ऑफिस पर भी कब्जा कर लोगे। मान गए तुम्हें अनन्या, देखने में तो तुम एक सीधी सादी और खूबसूरत लड़की लगती हो, पर तुम्हारे पास दिमाग भी है। तो क्या तुम वादा करती हो ये काम पूरा हो जाने के बाद तुम मुझे ये ऑफिस आधी कीमत पे बेच दोगी? अपना करियर, अपनी आजादी के लिए तुमने दो दो लोगों की बलि चढ़ा दी है? और उज्जवल, वो तो इस प्लान में तुम्हारा साथी था ना, उसे क्यों पैरालाइज किया? क्योंकि मुझे डर था कि अगर सीआईडी उज्जवल और सिया तक पहुंच गई तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। शक तो हमें तभी हो गया था जब मिकी की मौत के दिन दुल्हन का जोड़ा गायब हो गया था जो तुम पहनने वाली थी। अगर उस दिन आपको वो साड़ी का टुकड़ा नहीं मिलता ना तो आज मेरा प्लान कामयाब हुआ होता। अनन्या जी, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, लेकिन अफसोस आपकी ये एक्टिंग से हमारी तहकीकात कुछ ज्यादा अच्छी है। नाटक की कहानी तो अच्छी लिखी थी तुमने, लेकिन शायद तुम भूल गई सीआईडी ऐसे कितने झूठे नाटकों पे पर्दा गिरा चुकी है। जिमी और मिक्की के खून के जुर्म में अब तुम्हें सारी जिंदगी सलाखों के पीछे काटनी पड़ेगी। ले चलो इसे। Oh, my God.